मेरापन होगा, तो माया बिल्ली है ना, वो म्याऊ म्याऊ करेंगे, मैं आऊ ऐसे कर। शांति, ओम शांति। आपका स्वागत है अव्यक्ति परिवार में। आज आठवां दिन पर्सनालिटी ऑफ प्योरिटी में ट्रस्ट और ट्रस्टीशिप पवित्र आत्मा की। ओम शांति एवरीवन। ओम शांति सभी को। एक घंटा बहुत अच्छा रहा भट्टी का, दृष्टि की लेन देन की, बाबा के इतने सारे शक्तिशाली बच्चों के साथ। और मैंने देखा कि दृष्टि की लेन देन करते समय मैं हर एक के साथ कनेक्ट कर पाई और कैसे हर एक बाबा के साथ कनेक्टेड रहा। और जैसे कि बाबा हमें खींच रहा था, बहुत ही सुंदर था ये देखकर। अच्छा लगा कि हर एक ऐसे दृष्टि की लेन देन कर रहा था। हमने प्यार के सागर, शांति के सागर के साथ जुड़कर शांति में बिना कोई मेहनत के हम ये कर सके। क्योंकि जब हम संगठन में होते हैं इकट्ठे और इस आनंद की स्थिति में होते हैं, तो बहुत सहज हो जाता है बाबा को लेके आना, शांति के सागर की तरह से इमर्ज करना। और उसमें एक भी संकल्प मात्र भी मेहनत नहीं थी। बाबा का पूरा अनुभव रहा एक सागर के रूप में।
दिस मॉर्निंग मुरली, और इस सुबह आज की मुरली में मैं ये कहूंगी कि इतनी सिंपल है, शक्तिशाली है, और हमें इतनी सारे इशारे मिले हैं कि हमें क्या करना चाहिए। रक्षाबंधन अब आ रही है और अब हम पवित्रता के बारे में भी सोच रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि हम पवित्र हैं, पवित्र जीवन में चल रहे हैं, सब नियमों को पालन कर रहे हैं, लेकिन हमें क्या चेक करना है कि क्या हमें कभी भी भारीपन महसूस होता है, चाहे थोड़ा भी हो, होता है ना कभी कभी, क्योंकि हमारी जो स्थिति है वो डबल लाइट की होनी चाहिए, और उसके लिए बाबा कहते हैं कि हमें बहुत ही स्वच्छता चाहिए उसके लिए, जो आज बाबा ने कहा। और मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस पे ध्यान देना चाहिए जो भी बाबा कहते हैं उस पर, और हो सकता है कि मेरा कोई संस्कार हो या किसी का भी संस्कार हो, अगर कोई भी प्रकार से किसी भी कारण किसी का संस्कार मेरे साथ रह जाता है और मैं उसे साफ नहीं कर पाती और बाबा को दे नहीं पाती या उस व्यक्ति के साथ उसको क्लियर नहीं करती, तो हमें अपनी आंतरिक शक्तियों से उसे क्लियर करना है, लेकिन उस पर बैठ नहीं जाना है, उसको पकड़ के नहीं रखना है। बाबा कहते हैं ये किचड़ा है, और ये सच है, क्योंकि जब अंदर कोई बासी चीज पड़ी होती है तो क्या होता है, हमारी जो यात्रा है वो सतोगुनी की तरफ है, लेकिन जो चीज पुरानी होती है, बासी होती है, वो रजोगुनी होती है। कई बार कोई दर्द होता है भीतर, आजकल हम बहुत ध्यान देते हैं अपने हर एक शरीर के अंग को साफ रखने में, मुझे ऐसे लगता है कि हम कितना समय लेते हैं अपने दांत को भी साफ करने के लिए, छोटा सा भी अगर कुछ दाना रह जाता है खाने का दांत में, तो हमें कितना नुकसान पहुंचा सकता है। तो अब हम आत्मा की बात कर रहे हैं, कुछ भी हो, कुछ भी, तो उसकी आप चिंता नहीं करें कि क्या होगा, कि हम नहीं कर सके, लेकिन जो हो गया हो गया, आज से कुछ भी है तो वो अंदर ना रह जाए। तो जब हम उसे सफाई करते हैं तो बाबा कहते हैं कि आप फिर हल्के हो जाएंगे, डबल लाइट हो जाएंगे। ना केवल वो, बाबा ने आज हमें वरदान दिया, हमारे बड़े दिल का, जनरोसिटी का, विशाल दिल का और बेहद का। और बाबा ने समझाया कि कोई हद नहीं होनी चाहिए, और जब हम बेहद में होते हैं, बेहद की बुद्धि होती है, तो कुछ भी असंभव नहीं है। तो हम कहते हैं कि नहीं, ये जरूर हो जाएगा, ये हुआ ही पड़ा है। लेकिन इसके साथ अटेंशन, उसका अभ्यास, तो मैं कैसे अपनी बुद्धि को सूक्ष्म बनाऊं? मैं जानती हूं कि कईयों को ये प्रश्न है, और गायत्री बहन वो रिवीजन में कराएंगी, ये बात को उठाएंगी जो किसी ने पूछा कि कैसे हम अपनी बुद्धि को सूक्ष्म बनाएं और साफ करें और क्लियर, स्पष्ट करें। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारी बुद्धि सूक्ष्म बने, साफ और स्पष्ट हो।
स्वच्छता पर बाबा ने बहुत ध्यान खिंचवाया, तो दुनिया में कभी भी, बाबा कहते हैं कि जो हमारी संकल्पों की गति है वो आवाज से भी उसकी गति तेज है। कोई भी संकल्प जो हमें होता है बाबा के लिए, वो तुरंत पहुंच जाता है बाबा के पास, और ये बहुत सूक्ष्म है दोनों तरफ से। चाहे कोई भी व्यक्ति के लिए हम सोचते हैं या बाबा का कोई कार्य है, तो वो संकल्प तुरंत पहुंच जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि डबल विदेशियों में कितना उत्साह है, उमंग है, और इस उमंग उत्साह में बहुत दृढ़ता के संकल्प हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जब हम न्यूयॉर्क में आए थे, इतने थोड़े से स्टूडेंट्स हुआ करते थे, तो हम कितने ज्यादातर कार्यक्रमों के लिए हम पे करते थे, तो दादी प्रकाश मणि, दादी जानकी, और हम उनको जब वो आए होस्ट कर रहे थे हम उनको, और तब छोटी सी जगह हुआ करती थी, खाली अपार्टमेंट, तो तब उमंग उत्साह इतना हुआ करता था कि बाबा कहते हैं कि जब दृढ़ता का संकल्प होता है, श्रेष्ठ संकल्प होता है, तो जो स्वच्छ दिल और बेहद का दिल और बुद्धि जो ये है, हम ज्यादातर तो श्रेष्ठ संकल्प करते हैं, लेकिन अगर कोई कमजोर संकल्प भी होता है या कोई संशय का भी संकल्प होता है, तो चीजें फिर हो नहीं पाती हैं, वो काम नहीं कर पाता। तो इसलिए अब हमें सोचना है कि हमें हमारी जो पवित्र शक्ति है वो पवित्र संकल्पों की हर चीज के लिए होनी चाहिए। आपको आश्चर्य होगा कि जो लोग राजयोगी नहीं हैं और वो हठ योग करते हैं, वो भी एक जैसे बहन आया करती थी, हमें सहयोग देती थी, तो हम में से एक ने कहा कि मेरी शोल्डर बहुत ही दर्द कर रही है, तो उन्होंने कहा आपकी शोल्डर सुन रही है और वो आपसे खुश नहीं है, तो आपको उससे कहना चाहिए कि शोल्डर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी ऊर्जा बदल जाएगी। और ये देखो कौन जो राजयोगी नहीं है वो कह रहे हैं, लेकिन हम कहते हैं ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो बुद्धि अगर हर समय ऐसे सोचेगी, तो फिर जैसे वरदान में था कि हमें निर्विघ्न बनना है, तो ये सूक्ष्म में विघ्न बन जाते हैं, हम खुद उसको क्रिएट करते हैं अपने संकल्पों द्वारा। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि नहीं सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो वो ऊर्जा मुझे ऊपर उठाएगी, आत्मा को शक्तिशाली बनाएगी, और वो एक सद्भाव उसमें उत्पन्न करेगी। तो मैं कई बार ये सुनते सुनते सोच रही थी कि ये महीना राखी का है, दादी प्रकाश मणि जी का है, तो हम सबको एक ये सौगात देनी चाहिए अपने आप को कि मेरा हर संकल्प जो मैं करती हूँ वो श्रेष्ठ हो, कुछ भी, कि कितना कुछ भी हो जाए, कितना वंडरफुल ड्रामा है, सब कुछ एक्यूरेट है, ऐसे संकल्प। तो इस प्रकार के संकल्प करने से हमें मदद मिलेगी और हम एक ऐसी शक्ति उत्पन्न करेंगे जो औरों को भी मदद करेगा। और बाबा ने बहुत सुंदर तरीके से बताया कि हम जब डबल लाइट होते हैं तो हम निर्विघ्न बन जाते हैं जैसे बाबा हैं, और इतना अच्छा लगा सुन के कि हम बस पहुंचे कि पहुंचे, हम फरिश्ता बन ही चुके हैं, लेकिन फिर हम कहते हैं कि अभी भी मुझे कुछ कुछ बातें
ऐसे सॉर्ट आउट करनी है, तो बाबा हमें रास्ता दिखा रहे हैं जो बहुत ही क्विक है और सिंपल है, ताकि हम फरिश्ता बन सकें। आज हमारे आज हार्मनी हाउस में एक छोटा सा प्रोग्राम था, काफी सारे ब्राह्मण थे, हर कोई तो नहीं आए, और बहुत सारे जूम के स्टूडेंट्स थे, कोई आ सके कोई नहीं आ सके। अव्यक्ति परिवार तो ये जो फूल हैं ये अव्यक्ति परिवार के लिए गिफ्ट था, और ये सारे डेकोरेशन भी हुआ। So I, from my heart, those who were there, I say thank you to everyone. It was very beautiful. तो मैंने सबको शुक्रिया किया क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और जब दृष्टि के लेन देन कर रहे थे तो मैं जैसे कई आत्माओं को पहचान सकी, जिन्हें कईयों को मैं जानना भी चाहती थी, तो मैं मुझे ऐसी फीलिंग आई कि शायद ये वो बाबा के बच्चे हैं। तो रोज हर एक को जानना, और कईयों को तो मैं जानती नहीं हूँ कि आप कहाँ से हैं, क्योंकि अव्यक्ति परिवार ऐसे तो नोन भी है लेकिन बहुत अननोन भी है, लेकिन हम परिवार से हैं और हम शेयर करते हैं बहुत सारी खुशी को, एक दूसरे के साथ हम एंजॉय करते हैं, एक साथ एक दूसरे के साथ होने में। तो पर्सनालिटी प्योरिटी की, और आज थोड़ा हमें बाबा ने होमवर्क दिया क्लीनिंग का, तो बहुत ही जल्द हम शुरू करेंगे अव्यक्ति परिवार में। अव्यक्ति माना फरिश्ता, एंजेलिक। तो केवल ये सुनने की बात नहीं है, लेकिन हर एक को हर एक ये कह सकते हैं कि हाँ हम फरिश्तों के परिवार के हैं। इसलिए हमारे दिल में जो एक ट्रस्ट है वो एक गुण है जो बुद्धि में नहीं है, वो दिल में है। मैं ट्रस्ट करती हूँ आपको, तो ये दिल से निकलता है। उसकी जगह अगर मैं ये कहूँ कि ऐसे हो सकता है वैसे हो सकता है, तो ये बुद्धि का काम है, लेकिन दिल कहेगा नहीं कुछ नहीं, सब ओके है, सब अच्छा ही होना है। कोई पूछ रहा था हिंदी में कि शनिवार सुबह मैं कैसे, शनिवार सुबह की क्लास में पूछ रहे थे कि मैं अपने दिल को कैसे सुनूं। तो जो दिल की धड़कन है वो जैसे ही अव्यवस्थित हो जाती है तो हम उसको महसूस कर सकते हैं, लेकिन जब वो स्वस्थ होती है, नॉर्मल होती है, तो हम वो अच्छा लगता है, नॉर्मल लगता है। तो जब नॉर्मल होती है तो हम फील कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती है तो हमें उसका पता लग जाता है। तो इसी प्रकार से दिल की आवाज, तो हमें भी अंदर अंतर्मुखी होकर, जब हम अंतर्मुखी होते हैं तो हम उस पर फोकस करते हैं, तो हमें वो सुनाई देता है। हम हिंदी में कहते हैं दिल कहता है, मेरा दिल कहता है ये। और ये केवल फीलिंग नहीं है, क्योंकि फीलिंग्स तो चेंज भी होती हैं। सो ट्रस्ट
इसलिए जो ट्रस्ट का गुण है वो हमें देखना है, उसको ट्राई करना है, बाबा को ट्रस्ट करना है। क्योंकि जब बाबा, जब मैं बाबा को ट्रस्ट करती हूँ और मेरे जीवन में मैं देखती हूँ कि सब होता है मेरे विश्वास के के आधार से, तो ये जो क्वालिटी है ट्रस्ट की बाबा में, वो जितना मैं औरों को भी ट्रस्ट कर पाती हूँ। क्योंकि मुझे दो बातें बहुत अच्छी लगती हैं, एक है कि सच्चाई, ऑनेस्टी। अब क्या लोग ऑनेस्ट हैं कि हम उन्हें ट्रस्ट करें ताकि वो ऑनेस्ट हो सके? ये बहुत ऑनेस्ट है तो मैं इसे ट्रस्ट करती हूँ, लेकिन मैं जब मैं क्योंकि ट्रस्ट कर रही हूँ तो वो ऑनेस्ट बन रहा है, तो अब उस आत्मा के लिए आसान है ऑनेस्ट होना। लेकिन अगर मैं उस पे संशय करती रहूं, डाउट करती रहूं पूरा टाइम, ये ऐसे है वैसे है, तो ये बहुत दिलचस्प है कि मैं एक कहानी है जीसस के समय की जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, कि वो सात थे और एक बार उनका कोई जैकेट घूम गया, तो उन्होंने बोला कि किसी ने चोरी की है, तो उन्होंने कहा जीसस ने कि आप शक ना करें, जजमेंट नहीं पास करें, पहले आप उसे ढूंढने की कोशिश करें। तो फिर किसी ने उसे ढूंढ लिया, मिल गया वो जैकेट। तो एकदम कहना कि इसने किया होगा या इसने ले लिया होगा, तो ये है विश्वास ना करना। तो वो ना मेरे लिए अच्छा है ना उस व्यक्ति के लिए अच्छा है। तो जैसे कि वो कहेंगे कि जैसे मोहिनी दीदी हम उस पे विश्वास नहीं करती, तो वो आत्मा के लिए क्या वो अच्छा है? लेकिन अगर वो व्यक्ति को लगे कि मुझ पे विश्वास किया गया है, तो वो एक ऑनेस्टी की जागृति होती है एक संबंध में। तो मैं जयपुर में काफी समय थी और हर कोई अलग अलग होता है, तो मेरे साथ जो ये व्यक्ति थे तो हम हर चीज रख में रखते थे, फ्रूट को भी। तो मेरी मेरी नेचर होती थी कि सुबह तो मैं वो ट्रे में रख लेती थी और मैं कहती थी कोई भाई आता था कि किसी को भी चाहिए तो वो ले सकते हैं और दिन के समय ये यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो फ्रेश है तो हर कोई उसे यूज करे। तो कभी ऐसा संकल्प तो ऐसा किसी को संकल्प नहीं आएगा कि मुझे चाहिए था लेकिन मुझे दिया नहीं गया। प्रकाश मणि दादी की ये क्वालिटी हुआ करती थी कि वो एक बार पांडवों ने, क्योंकि उस समय पांडव भवन था फिर ज्ञान सरोवर बना, तो उन दिनों में जैसे कि वो शूज होते हैं, जूते होते हैं, तो वो काफी पॉपुलर हो गए और खाली 500 रुपए के हुआ करते थे। तो एक भाई लेके आया तो दूसरे देखने लगे उनको, और फिर हर किसी को हर किसी के पास तो 500 रुपए उस टाइम पे हुआ नहीं करते थे। तो दादी को पता लगा कि हर कोई ये सोच रहा है कि हमें भी ये चाहिए, तो फिर दादी ने सबके लिए लेके आया, सबको वो जूते दिलाए स्नीकर्स, और फिर
मुझे पता है दादी जानकी ने भी एक घड़ी भी बनवा भी ऑर्डर की और सबके लिए 500 जितनी, ताकि किसी को भी संकल्प नहीं आएगी उसके पास है मेरे पास नहीं है. So this way, creating that relationship of trust and honesty. तो इस प्रकार से वो संबंध ट्रस्ट और ऑनेस्टी का बनाने से, और जैसे आज बाबा ने कहा बेहद का दिल बड़ा दिल, तो हमने सुना है कहानी कि दादी जानकी और दादी प्रकाशमणि कितने सन्यासी साधु संत को उन्होंने निमंत्रण दिया, और आप जानते हैं कि वो जो भोजन करते हैं वो प्योर घी का करते होते हैं. तो दादी ने कहा कि लगभग 300 जितने सेवाधारी थे, तो सभी को वही खान भोजन मिलेगा शुद्ध घी का. तो मैं और जयंती बहन हम तो खाते नहीं थे, तो हमने कहा दोनों के लिए कि हम तो भाई तेल हमारे लिए ठीक है, लेकिन दादी का ये सोच था कि जब ये सारे संत सन्यासी खा रहे हैं तो फिर बाबा के बच्चे क्यों नहीं खाएंगे, तो जो उन्हें मिल रहा है वही उन सबको मिलेगा वही भोग, ताकि किसी को ऐसे संकल्प नहीं आए कि हमें नहीं मिला. तो कई बार हम ये संबंध बनाते हैं ट्रस्ट और ऑनेस्टी का, तो हमें वो उसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, क्योंकि अगर सबके पास सब कुछ है तो फिर कभी ऐसे संकल्प नहीं आएगा ना कि मेरे पास नहीं है या मुझे चाहिए. इसे बहुत सूक्ष्म है, लेकिन हमें इसमें बैलेंस रखना होता है. Having trust on God. तो इसलिए जब हम भगवान में भरोसा करते हैं, उसे ट्रस्ट करते हैं, तो वो क्वालिटी, जैसे आज बाबा ने कहा, आज की मुरली कितनी अच्छी हमारे आगे मिसाल है कि मैं ट्रस्टी, तो कोई भी प्रकार की उसमें मेरापन नहीं है, वो भाव नहीं है कि ये मेरा है या मैं उसकी मालिक हूँ. जब मैं ट्रस्टी होती हूँ तो मैं उसे औरों के साथ बांट सकती हूँ. अगर हम औरों के साथ सभी के साथ बांटते हैं सही तरीके से, तो हर किसी की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं. क्योंकि जब कुछ भी ऐसा नहीं होता कि इसको मिलना चाहिए या उसको मिलना चाहिए, तो भीतर से गहराई में हम सब एक हैं. तो ऐसा तो नहीं अगर मुझे ये चाहिए तो सभी को ही चाहिए. और फिर अगर नहीं हम देते हैं तो फिर हम उसके अंदर की लोभ को का आह्वान कर देते हैं या इच्छाएं उत्पन्न होनी शुरू हो जाती हैं. अगर मैं एक घड़ी पहन के रखती हूँ जो बहुत सुंदर है और उन्हें भी ये संकल्प आए कि काश मेरे पास भी ऐसी सुंदर घड़ी होती, तो फिर मैं जो ये पहन रही हूँ वो मेरे लिए अच्छा भी नहीं है. फिर तो मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसी कोई चीज ना पहनूं, ताकि किसी को ये संकल्प भी ना आए कि काश मेरे पास ऐसा होता. तो आपके पास आपको तो दादी ने यही किया कि हर कोई के पास हो वो यूज करें तो हम खुश रहते हैं. तो मैं दादी के रूम में जैसे गई तो वो कहती थी कि देखो यहाँ भी इतना सब कुछ पड़ा है, यहाँ भी पड़ा है, तुम्हें जो चाहिए वो ले लो. तो मैं कहती थी कि हमारे पास सब कुछ है, कुछ नहीं चाहिए.
तो एक छोटी सी मीरा की मूर्ति होती थी, वो अपनी जैसे वीणा बजाते हुए, तो वो गिफ्ट मुझे मिली, किसी ने दी, तो दादी कहती रही कि कुछ भी जो चाहिए वो ले लो, जो चाहिए वो ले लो। तो ऐसा उनका संबंध था। पीस विलेज में एक बार वो मेरे पास आई, मेरे रूम में, तो मैंने भी उन्हें कहा कि दादी आपको आपको क्या पसंद है। तो उन्होंने कहा कि ये जो ग्लोब है ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, तो मेरे को उस पर मेडिटेट करना अच्छा लगता है। तो फिर मैंने कहा आप ये ले लीजिए, तो दादी और कुछ है आपको पसंद है? तो फिर उन्होंने कहा ये एंजल कितनी सुंदर है, तो मैं इसी को देखती रही। तो मैंने बोला, तो मैंने बोला ये भी आप ले लीजिए। तो हंसा बहने कहा ये तो बहुत भारी है, तो फिर भी उन्होंने लिया। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि दादी ने ये लिया अपने साथ, अपने जो जो आत्माएं लेके आती हैं, और वो जब उनके दादी के रूम में होता है तो बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैं ट्रस्टी हूँ हर चीज के लिए। इसलिए बहुत अच्छी अच्छी गुण इमर्ज होते हैं। और फिर जहां पे भी लगे कि ये सफल हो सके तो वहां हम सफल करें उसे। इसलिए बाबा को ट्रस्ट करें, अपने को ट्रस्ट करें, ड्रामा को ट्रस्ट करें, और स्वतः ही फिर सभी के अंदर ट्रस्ट आ जाएगा। इसका मतलब कि हम उन आत्माओं को सहयोग के लायक बना देंगे, सहयोग देने की। तो हमें इस प्रकार की ऊर्जा को उत्पन्न करना है, और यही इसकी ही आवश्यकता है बाबा के यज्ञ में। इसे इस पर आप विचार सागर करें, सागर मंथन करें, सोचें इस पर कि मैं ट्रस्टी हूँ, मुझे ट्रस्ट है और मैं ट्रस्टी हूँ। ओम शांति। ओम शांति एवरीवन। ओम शांति सभी को। तो आज जब दीदी ने कहा ओम शांति अंत में, उस समय एक बहुत ही विशेष बात हुई है। आप सोचें, आप ये फूल देख रहे हैं, वो दीदी का बर्थडे तो नेक्स्ट संडे है, लेकिन दीदी आज हार्मनी हाउस गई थी और ये फूल अव्यक्ति परिवार को दिए गए उनके बर्थडे के लिए। लेकिन ये हमारे लिए भी हैं, क्योंकि हम अव्यक्ति परिवार इकट्ठे, हमने आज 500 दिन पूरे किए, इसलिए हम इसके लिए अपने लिए ताली बजाएं, पूरे अव्यक्ति परिवार के लिए है ये। तो ये हम मकल इसको हम सेलिब्रेट करें। और मैं दीदी जी के लिए कहना चाहूंगी कि ये बहुत ही सुंदर यात्रा रही 500 दिन की, और भी आगे बहुत हैं। तो दीदी से सुनते हैं कुछ शब्द इसके बारे में। तो 500 दिन इकट्ठे रोज, ये तो बहुत ही अद्भुत है। लेकिन इसी के साथ सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी, आप सबका बहुत धन्यवाद। मैं अपने सामने इतने सभी को देख रही हूँ, और पूरे कैरेबियन के सभी भाई बहनों
मेक्सिको, लैटिन अमेरिका और बहुत सारी अलग अलग जगहों के सभी को देख रही हूँ, थाईलैंड और टाइम जोन के हिसाब से। दूसरा मैं कहना चाहूंगी कि इस टीम को थैंक्स करना चाहूंगी, क्योंकि पहले तो मुझे ये कहना है कि भूमि बहन ने इतनी हिम्मत रखी है सभी को इकट्ठे रखा है, सबसे सबको प्रेरणा दी है और कहीं भी पीस विलेज में कभी भी मैंने देखा है कभी भी कमजोर संकल्प नहीं आता कि कैसे होगा, कौन करेगा, पैसे कहाँ से आएंगे, कभी भी नहीं। तो ये बाबा ने बाबा का है, बाबा का कार्य है और हमेशा बस ये कहो कि हमारे पास बहुत है। तो कभी भी इस प्रकार का हमने हिम्मत नहीं छोड़ी, इसलिए मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और मुझे ये मैं बहुत भाग्यवान हूँ कि ऐसी क्वालिटी भूमि बहन में है और सभी में भी, हर एक में। कई बार मैं नाम नहीं बताती क्योंकि कोई एक नाम अगर रह जाता है तो फिर तो मैं कहती हूँ कि अगर 24 अवतार हैं और मैं एक को करती हूँ और एक को नहीं, तो इसे मैं सभी के बारे में कहती हूँ, हर एक को मुबारक हो और बहुत शुक्रिया। और आपको ये भी वरदान है कि हम इसी तरीके से चलते रहेंगे। और मैं बाबा को भी कहती हूँ थैंक यू कि बाबा ने हमारे लिए अरेंज किया। और मैं बाबा को ये कहती हूँ थैंक यू हमें ये चांस देने के लिए, छोटा सा अपना भाग्य बनाने के लिए और महसूस करने के लिए कि हम योग्य हैं, चाहे कुछ भी हो शरीर के साथ चलता रहता है, हम वैसे भी कहीं जा नहीं सकते और मैं तो कहीं जाती नहीं। तो इसलिए एक बार मुझे याद है कि दादी कहती थी कि एक समय आएगा कि आप कहीं भी आ जा नहीं सकेंगे, पर हमें पता नहीं था कि कोविड इस तरीके से हमारा आना जाना रोक देगा। इसलिए मेरा दिल यही कहता है बाबा को शुक्रिया। और सभी आत्माएं जो यहाँ ब्राजील कैरेबियन से हैं, तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है सबसे मिलकर। कई होते हैं जिन्हें रोज शाम को क्लब जाना अच्छा लगता है, तो ये हमारा स्पिरिचुअल क्लब है, तो ये हमारी एक हॉबी है और हम एक दूसरे से मिलते हैं। इसलिए एक संकल्प भी था कि एक हम एक यज्ञ के हम जड़ों के साथ एक कनेक्शन क्रिएट करें, इसलिए हम साकार मुरली सुनते हैं, मामा की मुरली और सभी हमारे जो भी पूर्वज आत्माएं हैं उनका हम सुनते हैं और इससे बहुत ही पालना मिलती है, उनकी जैसे उपस्थिति होती है। तो जैसे हम सब इकट्ठे हैं, हर कोई अलग अलग तल पर काम कर रहा है लेकिन सहयोग दे रहा है और ये इतना बड़ा बाबा का कार्य कर रहा है, तो ये बहुत ही गुप्त भी है और एकदम कंसिस्टेंट भी है, एक रस है। बाबा कहते आए हैं, हमें मुबारक देते आए हैं सभी बच्चों को कि वो सभी बच्चे अपने आप को बाबा कहते हैं कि यज्ञ को सहयोग देना उसे मुश्किल के समय पे, ये बहुत बड़ी बात है। हर
एक तो ये कह सकते हैं कोई कि हम ये कर नहीं सकते, ये मुश्किल है, पर हम ही, लेकिन हम इसे कह नहीं सकते, चाहे कोई स्थूल भी स्थूल वस्तु भी हो, जैसे कभी कोई जाता है फ्रूट लेके आते हैं बाबा के लिए ले जाएं, तो हर चीज के लिए बाबा का कार्य चलता रहा। और जूम के द्वारा भी बहुत कितने कितने हमने हार्मनी में भी जूम हार्मनी हाउस में भी आज जैसे 70-80 जूम द्वारा जुड़े हमारे साथ, और वो सब बहुत ही क्रिएटिव हैं, तो उनकी क्लासेस भी होती हैं हफ्ते में 2 बार। तो आप सबको मुबारक हो और शुक्रिया और बहुत सारे वरदान बाबा की तरफ से। बाबा की सबको ब्लेसिंग्स। शरीन बहन कह रही है, मैं सोच रही थी कुछ कि ऐसे कुछ दिन थे जो मैंने इसके 500 दिन में, लेकिन मुझे ये पता है आपने कभी मिस नहीं किया, तो मेरे लिए तो मैं आपको सबसे बड़ी मुबारक देना चाहूंगी कि आपने एक दिन भी नहीं मिस किया। और जब मुझे मैंने सुना ये 500 दिन हो गए हैं, तो बाबा कि ये बाबा की ही शक्ति होगी कि ये आप कर सके 500 दिन के लिए, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और भी और दो बातें हैं जो मैं बताना चाहूंगी कि मुझे ऐसे लगता है कि अव्यक्तित परिवार आप केवल एक शाम को सुनते हैं, हम ये नहीं समझते कि ऐसे हमारे अंदर बदलाव लाता है। और जब हम सुनते जाते हैं आप जो आप बताते हैं, मामा की मुरली, बाबा की मुरली, जो भी हम व्यक्ति जर्नी है, जो पूरी यात्रा हम जब उसको देखते हैं और सुनते हैं, तो कैसे हमारे अंदर एक परिवर्तन आता है, वो मैंने अपनी व्यक्तिगत जीवन में देखा है। तो इस तरह से मैं अपनी शाम को अपना समय, मुझे नहीं लगता इससे मैं और बेहतर बता सकती थी। तो एक बहुत खुशी मेरे अंदर पैदा होती है कि अपने जीवन को जीना है तो उसे हम शुद्ध फीलिंग्स के साथ जिए। जब मैं आपकी आवाज सुनती हूँ, तो आपकी आवाज को सुनने से ही इतना अच्छा लगता है, सूदिंग, और इतना परिवर्तन जैसे महसूस होता है और एक सुरक्षा की फीलिंग देता है। तो मैं आपको थैंक यू करना चाहती हूँ और बाबा को भी थैंक यू उसके लिए, मेन इस 500 दिन के लिए। और भूमि बहन ने मुझे 2 मिनट दिए इसके लिए, और मैं सब आत्माओं को थैंक्स करना चाहती हूँ जिन्होंने हमें इनपुट दिए कार्यक्रम के बारे में, जैसे जूलिया बहन, गायत्री बहन, कैन बहन, बीटा बहन, इतने सारे जिनको मैंने शायद मिस किया हो, एरिक भाई, तो हर एक आपने इतना हमें हमने आपसे इतना सीखा और हम इतना अप्रिशिएट करते हैं, तो ये बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आप इसका हिस्सा बने। तो मेरा टाइम हो गया है। भूमि बहन कह रहे हैं कि जूली बहन, कला बहन और बहुत सारे हैं ऐसे, तो सबने सहयोग दिया है, और हम सबको ये कहेंगे कि वो ये स्वीकार करें, हमारा शुक्रिया। और हम सब सबको डांस भी पसंद है, और आज सुबह हमने बहुत ही अच्छा डांस किया। तो आज कुछ प्लान हमारा और था, लेकिन हम उसे चेंज कर देंगे। मैं सभी से निवेदन करूंगी कि अगर आप कोई एक फूल लेके आए, और जरूर आपके पास होगा, तो हम वो एक अपना एंजेलिक डांस करेंगे। तो अब अपना हम होमवर्क
पहले दादी जी का सुनेंगे, फिर अपना होमवर्क देखेंगे और फिर अपना एंजेलिक डांस करेंगे। ओम शांति। हर घड़ी कमाई में ही जमा करता, या मेरा समय सुस्ती में व्यर्थ जाता। हर दिन मेरा कितना कमाई का चार्ट है या वेस्ट का चार्ट। तो समय बिल्कुल हमें गिनती के मिले हुए घड़ियां है। कल क्या होगा किसको क्या पता, इसलिए कहा घड़ी घड़ी आता कल क्या होगा अचानक होगा। ये आवाज कानों में बहुत आता, कल क्या होगा अचानक होगा, इसलिए एवरेडी। दूसरी मुझे सबसे एक बात आप सबको कहनी है, मैं कल वहां भी सब बाबा की श्रीमत है, अमृत वेले उठो मुझे याद करो। लेकिन अमृत वेला सुस्ती में जाता है तो कमाई नहीं होता ही, परंतु सुस्ती में जाता है। चलो कोई की ड्यूटी है तो भी बाबा कहते तुम्हारे को तो कोई भी ड्यूटी है, याद में रहते कर का दे दिल यार दे, ऐसे करके याद करते भी करो। मान लो कोई को चाय बनाने की सुबह को 3 बजे उठ ड्यूटी है, मैं किसके लिए चाय बनाता, किसकी याद में चाय बनाता, कौन पिएंगे। ऐसी प्यार और भावना और याद से बैठ चाय बनाते तो भी वो कर्म डबल कर्म हुआ। या लाचारी अब तुम मुश्किल से तो नींद आई, अभी उठी, अभी चाय बनाओ, कहाँ पूरी नहीं होती है, बड़ी ये डिफिकल्ट ड्यूटी है, पूरी हो तो जाके सो जाऊं, तंग हो जाऊं। तो ये जो सूक्ष्म तंग होना होता, क्या वो सेवा की कमाई हुई या तंग हुए तो वो वेस्ट गई। दूसरी बात, बाबा कहते मुरली जरूर तुम बच्चों को सुननी है, चाहे उसी घर ही सुनो, चाहे कोई जरूरी ड्यूटी है तो पीछे भी सुनो। तो ये बात कई बाबा के बच्चों को स्टूडेंट्स को इतनी पक्की रहती, बीमार होते भी गाड़ी में भी चल के सेंटर पर आएंगे, दूर दूर से आएंगे मुरली सुनने। मुरली है हमारी डेली आत्मा की डेली की खुराक। जैसे एक दिन नींद न करो तो दिमाग कितना थका हुआ रहता, वैसे मुरली है हमारा सच्चा आराम। आराम नहीं तो दिमाग क्या करेगा, चिड़चिड़ाएगा, मुरली मिस कर, तेरे मेरे तेरे बातों में मिस, ड्रामा में। ये भी एक अपनी कहूँ, जब दृढ़ संकल्प होता तो वो एक नेचर भी स्वभाव भी बन, चाहे मैं प्लेन में हूँ, चाहे मैं ट्रेन में हूँ, चाहे मैं कार में जाऊंगी, चाहे रात को सोएंगी सुबह को। सबको मालूम है कि दादी रात को मुरली पढ़ती है पीछे सोती है, सवेरे नींद से उठती हूँ चाहे पी के मुरली पढ़ती हूँ पीछे नहाने जाती हूँ, तीसरा बार क्लास में आती हूँ, चाहे न भी क्लास में हूँ तो भी मैं 2 बार मुरली जरूर, सारी मुरली आज की पूछो मैं पूरी रिपीट कर सकती। मुरली से प्यार उनों का, बाबा से प्यार जिनों का, मुरली से प्यार नहीं माना बाबा से प्यार, ये बाबा के बोल है, है?
ओम शांति। सो ओम शांति। तो अब हम अपना होमवर्क देखेंगे, दो मिनट का ड्रिल करेंगे और फिर हम अपना एंजेलिक डांस करेंगे। Tomorrow's homework, trust and trusteeship of a pure soul. कल का होमवर्क है, मैं वही आत्मा हूँ जिसने कल्प कल्प बाबा से सभी अधिकार मैं पवित्र आत्मा हूँ बाबा को ट्रस्ट करती हूँ बाबा द्वारा मैं ट्रस्टी बनी हूँ हर चीज की मैं आत्मा अब हम मेडिटेशन करते हैं। I, the pure soul, मैं प्योर आत्मा पवित्र आत्मा बाबा को ट्रस्ट करती हूँ। थ्रू बाबा I have become बाबा द्वारा मैं सभी चीजों की ट्रस्टी बन गई हूँ। I, the soul, am a trustee of this. मैं आत्मा, मैं शरीर की ट्रस्टी हूँ, मन की और मेरे संकल्पों की ट्रस्टी। This trust. And trusteeship. ये ट्रस्ट और ट्रस्टीशिप मेरा पन को खत्म करता है। Om Shanti. Om Shanti. I'm sure you all are ready, right? तो मुझे उम्मीद है आप सब तैयार होंगे तो हम शुरू करते हैं एक मिनट में।